right, first question on your screens. Come on, my army. Let's kill this one. Let's see. And मुझे आप लोगों के चैट्स नहीं दिख रहे. Yes, I can now see it. All right. चलो बच्चों, let's do this. Let's see this. Let's see. Everybody, go for it, बच्चो. देखू मैं यहां पे कितने बच्चे काम कर रहे हैं. All right, चलो. So इसको start करें. How are we going to solve it? Let's try and understand. पहले तो इसका मतलब क्या है. Equation of the external bisector of angle BAC of a triangle ABC. तो यार ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है. एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल दिस विद वर्टिसेस, जो भी आपकी वर्टिसेस हैं, ठीक है. ऑफ कोर्स ये इक्विलेटरल नहीं है, ये बना ऐसा है कि इक्विलेटरल की फीलिंग आ रही होगी, बट इट्स नॉट इक्विलेटरल. अब इक्वेशन ऑफ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब जो बाहर के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट. तो ये जो रेड लाइन है विच इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द लाइन इनसाइड, ओके. तो ये जो आपको रेड वाली लाइन दिख रही है, इसकी इक्वेशन इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड. क्योंकि एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब आपने इसको एक्सटर्नली वो किया, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, आई शुड हैव ड्रॉन इतना सारा, बस इस पे फोकस करो आप, ठीक है ना. हाउ डू आई अराइव एट दिस. सबसे पहले थोड़ा सा सोचो. If I try calculating the distance, है ना. अब मैंने ये तो बोल दिया कि इस लाइन की परपेंडिकुलर होगी, बट इस लाइन का क्या सीन है, इसको समझते हैं. सो वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी. डिस्टेंस ऑफ ए बी यार मुझे दिख रहा है 5 - 2, सो 9 + 1 √10. यहां देखिए ए सी 6 - 5 एंड 5 - 2 फिर से √10. यहां पर ऐसा कोई फंडा है नहीं, ये तो पहले 16 एंड ना ये नहीं. सो दैट मींस दिस बिकम्स एन आइसोसेलिस ट्रायंगल. ये चीज हमको समझ में आ गई. मतलब यहां जो ये जब कट कर रहा है, ये डी बन जाता है मिड पॉइंट ऑफ बीसी. क्या हमको इतना समझ आ गया, डी बन जाता है मिड पॉइंट ऑफ बीसी, करेक्ट एवरीबडी. सो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 + 2 सो 8 and this is 3 + 5 = 8, so 4, 4. Now I can very easily find the line L. Very easily, बस मुझे कोई स्लोप दे दे तो हम आलू बना लेंगे. आलू मतलब आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि वो आलू की तरह हर जगह लग जाती है, करेक्ट. सो सबसे पहले स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा आपका, what is slope of AD? 4 - 2 and this is 4 - 5, so -2. यानी स्लोप ऑफ योर लाइन एल जो आपने निकालना है वो हाफ है, बस दैट्स इट. अब क्या बचा है, y - y1 = ½ × x - x1. इसको तो सब बच्चे सॉल्व कर ही ले लेंगे, येस और नो इन द चैट बॉक्स. इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों. व्हाट इज द फाइनल आंसर देन, व्हाट इज द फाइनल आंसर. वैसे बच्चे कह रहे हैं अच्छा ए कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई भी कर रहा है. तुम लोग तो मतलब बहुत ही स्मार्ट हो. x - 2y - 1 = 0. सो डी, इज इट डी बच्चों, डी आ चुका है हमारा आंसर, येस और नो, येस और नो. अगर आप यहां से देखो, ओके, बिल्कुल, दैट इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट. एंड डी फॉर धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. मैंने बोला नहीं तो तुम ये काम करोगे नहीं. कम ऑन गाइज, आई कैन सी मोर देन 1200 पीपल ऑलरेडी लाइव. Go hit the like button. किस लिए करें मैम लाइक, बार बार क्यों बोलते हो आप. सिंपल सा फंडा है, आई एम बींग ऑनेस्ट. देखो अगर आपको कोई बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे नहीं पता, बट मुझे तो पड़ता है, बिकॉज दैट एक्चुअली गिव्स यू इंटरनल हैप्पीनेस कि हाँ जो बच्चे हैं उनको मजा आ रहा है. एंड आई शुड कंटिन्यू विद माई हार्डवर्क द सेम वे, राइट एवरीबडी. चला जाए आगे. अच्छा, डी फॉर दम आलू, वेरी नाइस. तुम लोग शुरू हो चुके हो बिल्कुल. चलो पेपर में बस ये मत लिख के आ जाना. वैसे लिख नहीं सकते मुझे पता है, ऑनलाइन पेपर है, बट याद तो जरूर आएगी.
याद तो जरूर आएगी जब जब मार्क करोगे कि ए फॉर आलू, बी फॉर क्या बोला था हमने, भालू, सी फॉर चालू एंड डी फॉर दम आलू. चलो ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर टू, लेट्स गो फॉर इट माई आर्मी. इट्स अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, गो गो गो. How did I get to know it is the midpoint? Because aapka isosceles triangle ho chuka hai. That's how we did. Hai na? Chalo, aage badh jaye. All right. So what are we going to do? Let the length of altitudes from vertices A, B and C are P1, P2, P3. Acha, to ye koi triangle hai. Theek hai? And length of altitudes आपको P1, P2, ठीक है, ये P1, ये P2 and P3 दिया हुआ है. Okay, then the value of this half of P1 square. So let me write the coordinates also, बच्चों. Now one simple सा फंडा देखो, या तो आप एक काम करो, आपको P1 निकालना है ना. What is P1? P1 is ये, AD, है ना? P1 is AD, this perpendicular. तो या तो you can find equation of BC, है ना? And then distance between the point and the line, you can apply that formula. बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, okay? Or what you can do is, I think area कई बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे, area of triangle ABC, if I see. उसको हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ P1 इंटू BC, कर सकते हैं. यानी मैं P1 को कैसे लिख सकती हूं, इसको अगर मैं खाली ट्रायंगल बोलूं, ये यस और नो बच्चों, ऐसे ही दिस इज जस्ट द एरिया, है ना. ऐसे ही अगर मैं सोचूं P2, P2 किसको, P2, ओके बैड जोक मैम, P2 क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ BE इंटू, तो आपका हाफ ऑफ PT इंटू AC. तो यानी यहां पे मैं ऐसे लिख सकती हूं. यस, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस थिंग बच्चों. नाउ P3 क्या होगा, P3 इज गोइंग टू बी योर परपेंडिकुलर CF. दिस इज CF, फिर से एरिया ऑफ द ट्राइंगल में देखू तो दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ P3 इंटू AB. तो यानी ये हो जाएगा, That's it. अब values डालते हैं, I'm sure answer झटपट निकल के आएगा. Yes, values डाल देते हैं. So क्या values है हमारी, We had to find the reciprocals, ठीक है, इनको उल्टा कर दो, BC square upon, यार ये तो देखो हर जगह cancel होना है तो मैं लिख नहीं रही हूं, 4 delta square आ जाएगा ना, same here, AC square and last वाला same, AB whole square. बस distance formula खेलो अब, डिस्टेंस फॉर्मूला खेलो अब. BC स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, B एंड C, ठीक है. सो 5 माइनस 3, या आप क्या करोगे, 5 माइनस 3 दैट्स 2, सो 4 एंड -1 -2 दैट्स 9, है ना. ऐसे ही AC स्क्वायर डालो, ठीक है, ऐसे ही AB स्क्वायर डालो एंड जस्ट गेट योर आंसर. तो क्या आंसर आने वाला है, यस और नो, कम ऑन बताओ मुझे क्या आंसर आने वाला है. देखिए जरा यहां पे, यस देखिए जरा यहां पे, आई होप पीपल कैन डू दिस. 2.5, है ना, आप यहां पे वैल्यूज डाल सकते हो 2.5. अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हो कर सकते हो, यू कैन गेट द इक्वेशंस, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर. ये क्या हो गया, गलत बात, वेरी बैड. ओके, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, वैसे करके भी P1, P2, P3 निकाल सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस. ठीक है जी, चलिए लेट्स गो आगे एंड चेक आउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन आवर स्क्रीन्स. कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो. लेट्स सी,
चलिए हमारे ऑफिशियल लाइक कीपर यहाँ पे आ गए हैं एंड बोल रहे हैं नेहा मैम डैब एट 1K लाइक्स. नेहा मैम विल डैब एट 1.5K लाइक्स. कम ऑन, लेट्स गो फॉर दिस, लेट्स गो फॉर दिस. थैंक यू अनुराधा. डी दे रहे हैं बच्चे कुछ कुछ आंसर. लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी बच्चों. Let's see what is the answer you guys are going to give. Okay. Chalo. Okay. Let's go for this and understand isko kaise karenge. The length of perpendiculars from the point this, this and this. To agar yaar main this this ki jagah agar hum ABC bol de ise to it will be easier. Hai na? To the line. बहुत सही. क्या होगा ए से यहां तक का डिस्टेंस, है ना, ए से यहां तक का डिस्टेंस. सो वी हैव टू बेसिकली इंश्योर कि यार ये आपका लेंथ जो है, सो पी वन को अगर मैं बुलाऊं ए से ऑन दिस लाइन, लेंथ फ्रॉम पॉइंट ए ऑन दिस लाइन इट्स गोइंग टू बी एम स्क्वायर. ये वाई के ऊपर नहीं है यार, ये सिर्फ रूट थ्री है. सो प्लस रूट थ्री इंटू टू, सो टू रूट थ्री एम प्लस थ्री, है ना, अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ, स्क्वेयर रूट ऑफ क्या होगा, वन प्लस रूट थ्री, सो फोर. अगर आप ये इसको ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, एम प्लस रूट थ्री होल स्क्वेयर बाय टू. कैन आई गेट दिस, कैन आई गेट दिस. सेम वे, सेम वे क्या कर सकते हैं, देखो पी टू है यहां पे, पी थ्री, पी थ्री काफी सिमिलर है बिकॉज इन प्लेस ऑफ एम स्क्वेयर टू एम यू हैव एन स्क्वेयर टू एम, तो काफी सही सा है. तो सेम ही आंसर आ जाएगा, एन प्लस रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर. पी थ्री पहले निकाल दिया, काफी सिमिलर था, है ना. अब क्या करें, पी टू किसको, पी टू, पी टू क्या होगा, यहां से आ जाओ, दिस एम एन, सो आई एम गोइंग टू गेट एम एन प्लस रूट थ्री एम प्लस रूट थ्री एन प्लस थ्री अपॉन द टू ही आना है बिकॉज इट्स द सेम लाइन बच्चों, इट्स द सेम लाइन. एंड यहाँ पे मैंने टू को अंदर किस लिए कर दिया है पता नहीं, होल स्क्वायर सिर्फ इसका है, अपॉन टू इज सेपरेट, है ना, अपॉन टू इज सेपरेट. ओके, सो यहाँ पे आई गेस काफी क्लियर कट आपके फैक्टर्स बन रहे हैं ये. वाह, द क्वेश्चन इज डेड, द क्वेश्चन इज डेड. कैसे, कैसे मरा क्वेश्चन, ये देखो. If I took P2 square, don't you think it's P1 into P2 only, बच्चों? अगर मैं P1, P1 and P3 को multiply कर दूँ, I'm going to get M plus root 3 whole square, N plus root 3 whole square upon 4, and इसको square कर दूँ, तो ये same ही तो आएगा, यानी P1, P2, P3 are in GP. Yes or no? Yes or no? बीफ और भालू, बिल्कुल सही. तो ये आलू नहीं, ये चालू नहीं, ये दम आलू नहीं, ये बिल्कुल भालू सा क्वेश्चन है. ऑलराइट, यस, बच्चे बोल रहे बीफ और बिंगो, एंड कुछ बच्चों ने तो बेयर्स बनाकर दे भी दिए, क्या बात है, वेरी नाइस, अमेजिंग. ठीक है, आगे बढ़ जाएं, ये जेई की तैयारी हो रही है, मैम की मजाक हो रहा है, थोड़ा सा तो मजाक चलता है बॉस. ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर screens, go for it. Come on, let's see. Let's see. इसको देखो यार जल्दी से, मतलब जल्दी से नहीं, आराम से देखो. Let's do this. You have to decide whether you want to solve the question, you want to drop the question, or you want to defer the question. Matlab, put it on hold for some time. What would you like to do for this one? Let's see. यहाँ पे the best part is कि बच्चे JEE 21 के बारे में पूछ रहे हैं कि कब होगा, will that get postponed? यार 20 होने दो. मतलब वो होता है ना कि रास्ता clear तो होने दो, फिर आपका भी पता चल जाएगा, है ना. चलो, ऑलराइट, लेट्स गो फॉर दिस आर्मी. व्हाट आर वी गोइंग टू डू,
इफ द इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी ईच इक्वल टू 5 यूनिट्स ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड टू पी एंड क्यू. ओके ऑल राइट. पी एंड क्यू सच दैट बी पी इंटू सी क्यू इज ए बी स्क्वेयर. देन द लाइन पी क्यू ऑलवेज पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट वेयर ए इज द ओरिजिन. अच्छा बी ए बी लाइज ऑन द पॉजिटिव एंड ए सी ऑन द ओके. तो ये ऐसा ट्राइंगल है. ठीक है ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ए बी एंड ए सी आर 5 यूनिट्स ईच. ठीक है एंड इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. आई होप हर बच्चा समझ गया है कि यहाँ हो क्या रहा है. ठीक है अब आपने क्या किया है ए बी सी है प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू सच दैट बी पी. ओहो बी पी ये रहा बी पी एंड सी क्यू इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर. यही आ रहा है हमारे पास. यस एवरीबडी यही आ रहा है बच्चों. ओके तो कुछ ऐसा है ये. ओके हमको फाइंड क्या करना है. हमको फाइंड करना है देन द लाइन पी क्यू ऑलवेज पासिस थ्रू. ओके सो अब थोड़ा थोड़ा समझते हैं यहां हो क्या रहा है. सबसे पहले तो उन्होंने ओरिजिन ओरिजिन बोल दिया इसको. सो बी पॉइंट इज गोइंग टू बी 5.0. अंडरस्टूड. क्यों? क्योंकि आपका ये डिस्टेंस 5 गिवन है. ये डिस्टेंस 5 गिवन है तो ये 0.5 है. अब एक काम करते हैं यार कुछ तो नाम देंगे ना इसको भी. इसको बोल देते हैं h.0 एंड लेट्स कॉल दिस एज 0.k. नाउ व्हाट आर वी गिवन. वी आर गिवन बी पी. अब आपका बी पी कितना है. नहीं नहीं आपका बी पी नहीं ये लेंथ बी पी. लेंथ बी पी इज टोटल एच माइनस 5. आई होप सबको ये समझ में आ रहा है. टोटल एच माइनस 5. ठीक है एंड नेक्स्ट उसमें क्या आ रहा है सी क्यू. सी क्यू मतलब इतना पार्ट. सो आई कैन से पूरा के माइनस 5 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जो 25 है. इसको सॉल्व करना है. नहीं भी सॉल्व करोगे तो आपको पता करना है विच पॉइंट इज गोइंग टू सैटिस्फाई. तो पहले थोड़ा सा इसको ओपन करें. एच के माइनस 5h माइनस 5k प्लस 25 इज 25. ये तो कैंसिल हो गया. तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई है. इफ आई डिवाइड विद एच के है ना एच के से डिवाइड कर लूं तो यार ये ऐसा बन जाएगा. काफी सही सी आपकी आ गई इक्वेशन. 5 बाय एच प्लस 5 बाय के इज 1. अब कौन सा पॉइंट है जो इसे सैटिस्फाई कर रहा है. लिया सही तो आ गया. ये आ गया है हमारे पास. इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 5 बाय एच प्लस 5 बाय के इज 1 है ना. ये कौन सा पॉइंट है जो इसको सैटिस्फाई कर रहा है. 5 ही तो है. इट्स फाइन इट्स फाइन है ना. मैं उसमें एच एंड के में वैल्यू डालने लग गई थी बट दिस इज एब्सोल्यूटली फाइन. ये तो देखकर ही चॉकलेट लग रहा है. पता नहीं मैम ने क्यों टाइम लगाया इतना है ना. एकदम सही था बट पता नहीं हम क्या सोचने लग गए. ऑफ कोर्स 5.5 दिख रहा है कि उसको सैटिस्फाई कर रहा है. हाँ कई बच्चे कह रहे हैं मैम वही कह रहे थे आप पता नहीं कहाँ खोए हुए थे. समझ गई मैं. ठीक है सी इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही जवाब. ठीक है बिल्कुल सही जवाब. क्यों? क्योंकि वो 5 बाय एच प्लस 5 बाय के इक्वल टू 1 आ गया. तो इसमें जोर से ही दिख रहा है आपको कि 5.5 आपका एक ऐसा पॉइंट है जो उसको सैटिस्फाई कर रहा है. ओके एवरीबडी चलिए लेट्स गो आगे एंड टारगेट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स. गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5. एवरीबडी देखो जरा इसे. Let's see. यहां पे बच्चे बी कह रहे हैं आंसर. चेक करो चेक करो. ऑलराइट गो फॉर इट. अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है. कुछ भी नहीं था यार वो x बाय देखो 5 बाय एच प्लस 5 बाय के इक्वल टू 1 था ना. इन जनरल कैसे लिखोगे इक्वेशन.
एक्स बाय एच प्लस वाई बाय के इक्वल टू वन, यानी एक्स एंड वाई फाइव सेटिस्फाई कर रहा है, बस वही था. ओके बस वही था. ओके अभी भी शायद कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हैं यार, एक बार दोबारा से देख लो, आपकी ये आ गई थी इक्वेशन. ठीक है, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं जो शायद यहां पे लिखी भी हुई है, ऐसी होगी आपकी पी क्यू की इक्वेशन, x by h plus y by k equal to 1. तो उसको कौन सा पॉइंट है जो सैटिस्फाई कर रहा है यार, जब x को 5 रखो एंड y को 5 रखो, दैट्स इट, बस यही काम करा था हमने. कुछ बच्चे कह रहे थे 6 यार 6 थोड़ी ना आया यहाँ पे, 6 कैसे रख दोगे. ठीक है चलो आगे के क्वेश्चन पे, व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ, इसको समझ लेते हैं. आई होप इट इज नाउ क्लियर, राइट. इसको देखो, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from 5, 6 on the family of lines. Family of lines मतलब कि यार एक ऐसी लाइन, ठीक है, which is going to pass through 2 also and 3 also. It is going to pass through 2 also and 3 also. ठीक है, now equation of locus of a locus of the foot of perpendicular drawn from 5, 6. तो 5, 6 कहीं भी point है. लोकस ऑफ दिस, यार ये तो मतलब बहुत ही अमेजिंग हो गया क्वेश्चन. ये आपस में परपेंडिकुलर है सब, है ना, आपस में परपेंडिकुलर है. दैट मीन्स व्हाट आर यू गिवन, योर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू. तो इसमें मैं क्या करूंगी, मैं स्लोप्स ले लेती हूँ. दिस इज गोइंग टू बी के माइनस सिक्स अपॉन एच माइनस फाइव इन टू के माइनस थ्री अपॉन एच माइनस टू is equal to minus 1. I guess बस आप इसको cross multiply कर दोगे, you should get your answer. K minus 6, H minus 2, okay, K minus 6 के साथ K minus 3 है, and minus करके आएगा तो plus H minus 5 into H minus 2 is a 0. अब K को replace कर दो Y से and H को replace कर दो X से. तो ये कहां पे आ रहा है आपका, x माइनस फाइव एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस थ्री वाई माइनस ये रहा. सी आंसर, यस सी फॉर चिंकू, क्या लिखते हो बच्चों तुम, सी फॉर चॉकलेट तक तो ठीक था, ये क्या है. एवरीबडी एवरीबडी आई होप द क्वेश्चन इज डेड. अभी तक मुझे 1.5 के लाइक दिखे नहीं है, लगता है बच्चों को मजा आ नहीं रहा, सिर्फ देख रहे हो मजा आ नहीं रहा, क्योंकि आ रहा है तो गिव मी द प्रूफ. लेट्स टेक दिस टू 1.5 के ताकि फिर हम सब मिलके डैब करेंगे. ओके चलो लेट्स गो अहेड एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन्स, गो फॉर इट नाउ. ओके चलो इस पे देखते हैं, यहां पे देखो क्या होने वाला है. बहुत सारे बच्चे बिंदास बी देते हुए आंसर, अ लॉट ऑफ यू आर गिविंग मी बी एज द आंसर. गड़बड़ हुई तो पिटाई होगी, गड़बड़ हुई तो पिटाई हो जाएगी. एवरीवन कम ऑन लेट्स डू दिस. ये आपका एनटीए का पेपर है यार, अगर किसी को लग रहा है ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये आपका एनटीए के पेपर से ही क्वेश्चन लिया है. लॉट ऑफ यू गिविंग मी बी एज द आंसर. चलो देखते हैं इसको, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी आर सॉल्विंग दिस. सो कंसिडर द फैमिली ऑफ लाइन्स, दीज टू एंड दीज टू, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू बोथ द फैमिलीज. ओ तो यार एक फैमिली ऑफ लाइन्स यहां से आ रही है, एक फैमिली ऑफ लाइन्स यहां से आ रही है, राइट. सो इफ आई कैन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, देन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू बोथ द फैमिलीज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P1 निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P2 निकाला, अ लाइन सैटिस्फाइंग बोथ शुड बी माई आंसर, है ना, शुड बी माई आंसर. तो यहां क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. आपको सीधे से आता है सीधे से निकालो, शॉर्टकट से आता है शॉर्टकट से निकालो. चलो कौन मुझे देगा सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बच्चे तो आंसर ही दे रहे हैं. बच्चे कह रहे हैं मैम ए इज द आंसर, ए इज द आंसर. लेट्स सी,
यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर्स आपके क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी -5 -9, सो -14 डिनोमिनेटर है. एक्स का कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी -12 -2, सो -14 एंड वाई का कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ व्हाट, -20 + 6. तो क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1, -1? यस और नो इन द चैट बॉक्स. क्या बात है, क्या बात है. अगर आपको ये शॉर्टकट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो स्ट्रेट लाइंस शॉर्टकट फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस करके टाइप कर देना, आपको मेरा शॉर्टकट मिल जाएगा बड़े प्यार से. ओके, सेम वे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. x - y + 1 = 0 एंड 2x - y - 2 = 0. इसको तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, है ना. सब्ट्रैक्ट कर दो, सो x इज अगेन 1, है ना बच्चों, एंड क्या आ जाएगा, y 2 आ जाएगा. सो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, 2 आ रहा है. यस और नो, पहला तो 1 - 1 आ रहा है, दूसरा एक बार हम क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. एक सेकेंड, ये तो 3 आ जाएगा ना, एक्स 3 आ रहा है, ऐड कर रहे थे, ठीक है. एंड 3 - 3 + 1 y = 4, सो 3, 4 आएगा बच्चों. यस 3, 4 आएगा. यस बिल्कुल ठीक है. तो अभी आ गया, नाउ फाइंड अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स P एंड Q. सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 = m, स्लोप 5 - 3 - 1 - 2 x - x1. अब मैच करो क्या होगी इक्वेशन, लेट मी सी कितने बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं. बच्चे बोल रहे हैं मैम 1500 लाइक्स हो गए, डैब भी हो चुका है, सब के सब आंसर मैच करो और फिर डैब करो. दिस इज 5x - 2y, ये आएगा -5 एंड यहां आएगा -2 - 7. ए आ रहा है, ए फॉर ऑसम आ चुका है हमारा आंसर. यस और नो बच्चों, अरे माय आर्मी, ऑसम. एंड लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन्स. गो. ओके, एवरीवन कम ऑन, गो फॉर इट बच्चों. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस. टाइमर नहीं है मैम इस पे, कोई बात नहीं, आई एम श्योर आप ऐसे इसको कर लोगे. एंड लेट्स टारगेट 2K लाइक्स. अब जल्दी से काम शुरू हो जाना चाहिए बच्चों, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए. ओके, सो हाउ डू वी सॉल्व दिस. PS इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस PQR, ठीक है. कोई भी एक ट्राइंगल है आपके पास, PS इज द मीडियन. मीडियन मतलब जो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है. सो SCR आपका मतलब Q इज 6, -1, दिस इज 7, 3. तो S तो सही है, S क्या हो जाएगा आपका 6 and 7 = 13/2 एंड 2 by this is 1, है ना, ये मिड पॉइंट है. अब क्या होगा, वॉट यू हैव टू डू, पी एस इज द मीडियन, तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस, पासिंग थ्रू 1, -1. अच्छा सॉरी, P तो आपका 2, 2 है. ओके, सो सम रैंडम लाइन विच इज पैरेलल टू पी एस. ओ, तो ये जो लाइन है ये चोर है, समझ जाओ, लाइन आपकी चोर है. क्यों, वो चुराने आई है क्या, स्लोप, बिकॉज टू लाइन्स आर पैरेलल तो उनकी स्लोप्स इक्वल है ना, ठीक है. सो y - y1 = chore times x - x1. सो व्हाट इज द स्लोप फॉर दिस, 1 - 2 या 2 - 1 कर लो जैसे मर्जी, 2 - 13/2. यस, इसको फाइंड करना है सॉल्व करके, है ना, इसको सॉल्व करना है. कम ऑन बच्चों, व्हाट इज द आंसर. यहाँ पे बच्चे बी सब कर रहे हैं. लेट्स सी यहाँ पे देख लें, क्योंकि ये तो कैलकुलेशंस ही रह गई हैं. 2x + 9y + 7 = 0, बिल्कुल सही जवाब, बी फॉर बिंदास ही है आपका आंसर,
एवरीवन, आई होप ये लास्ट मिनट रिवीजन आपको समझ में आ रही है. लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू गो, लगे रहो, बिल्कुल मेहनत चलती रहनी चाहिए. आर वी रेडी फॉर क्वेश्चन 8? कम ऑन, मुझे 2000 लाइक्स दिख नहीं रहे हैं. वी हैव टू गो फॉर इट माई आर्मी. 1, 2, 3 गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन्स. गो 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 एवरीबडी, चलो इसको देखें. ओके, लेट्स सी. शिवम कह रहे हैं ही वुड लाइक टू स्किप दिस. और कितने बच्चे हैं यहां पे, इसको कैसे करोगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, हां जी बिल्कुल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के भी क्वेश्चंस लेंगे ना यार, यही तो है. अ लॉट ऑफ यू सेइंग स्किप, अ लॉट ऑफ यू. बच्चों क्यों कर रहे हो ऐसा? सिर्फ एक कंडीशन ही तो है. When are pair of two straight lines perpendicular to each other? ये सोचना है हमको, ये सोचना है हमको. When are two lines, two pair of straight lines perpendicular? सोचो थोड़ा सा. प्रूफ नहीं बताऊंगी पर कंडीशन याद करवा दूंगी. If you have, if you have ऐसी ax square, ठीक है, plus 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये अगर आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है एंड दे आर परपेंडिकुलर, तो इसकी डायरेक्ट कंडीशन होती है. क्या मतलब है इसका? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब एक आपकी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक सपोज है डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू जीरो. जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे वो परपेंडिकुलर कब होगी? आप बेसिक से डिराइव कर सकते हो बट डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी जीरो. यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे है 3a प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर जो यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू जीरो. अब आई डोंट थिंक आई हैव टू गेट इनटू सॉल्विंग, आई डोंट हैव टू गेट इनटू सॉल्विंग एनीथिंग. मुझे सिर्फ ये देखना है कि बॉस रियल रूट्स मिल रहे हैं अपने को कि नहीं. क्या करोगे? डिस्क्रिमिनेंट, तो इसको जरा अच्छे से लिख लें. ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 इज जीरो. डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है अपना? बी स्क्वायर माइनस 4ac. ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 है तो हमको क्लियर हो गया फंडा कि रूट्स तो आएंगे आपके, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब दो रूट्स होंगे. आई डोंट हैव टू गेट इनटू सॉल्विंग देम, है ना? आई डोंट हैव टू गेट इनटू सॉल्विंग एनीथिंग मैन, दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू. ठीक है. अच्छा, वैसे इन्होंने आपको रूट्स निकाल के दिखा दिए हैं बट देयर वाज नो नीड फॉर इट. सो अगर कंडीशन पता है तो कुछ है ही नहीं. आगे बढ़ जाएं. यस बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं हम, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके पास आ चुका है रिमाइंडर कि इफ यू आर एंजॉयिंग द सीरीज, इफ यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू विद द सेम डेडिकेशन बच्चों, तो ये काम तो करते रहना है. यस, एंड बार बार आपको बता रही हूँ, देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अपने फेवरेट चैप्टर से चिपक जाओ. ठीक है, इट इज वेरी नॉर्मल. हो सकता है स्ट्रेट लाइंस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो बट जब आप पेपर में गए, यार एक ऐसा क्वेश्चन आ गया स्ट्रेट लाइन से विच यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, तो अगर आपको लग रहा है 2-3 मिनट के बाद भी कि यार नहीं हो रहा, बॉस उसको छोड़ दो, सेंटीमत हो जाओ इतने कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन्स का क्वेश्चन मैं कैसे छोड़ दूँ, छोड़ दो. Maybe you can do something else in place of that, है ना? तो simple funda याद रखो, जो आपको आता है उसे वहीं के वहीं फोड़ दो, जो नहीं आता छोड़ दो, जहां doubt आ रहा है थोड़ी देर के लिए defer कर दो, उसमें end पे आ जाना, right? हमको ऐसा कुछ target नहीं करना कि हमको 100% ही paper करना है. यार ये मैं बार बार बोल रही हूँ हर बच्चे को. ठीक है, मेक श्योर दैट वट एवर क्वेश्चन यू आर टारगेटिंग आर फेचिंग यू 100%. ऑल राइट एवरीबडी, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन. गो फॉर इट माई आर्मी एवरीबडी. लेट्स सी.
लेट्स सी. चलिए यहां पे चलते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इफ द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस. ओ तो उसने बोला इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट. अब इस पॉइंट को एच के बोलो, एक्स वाई बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है. फ्रॉम द पॉइंट this and this, equidistant from this point. तो ये equidistant आप इसको कैसे दिखाओगे? Yes, मतलब मुझे बोला जा रहा है x minus a1 whole square plus y minus b1 whole square, मैंने square root उड़ा दिया है, is equal to x minus a2 whole square plus y minus b2 whole square. इसको solve करके it has been given कि ऐसे लगेगी, वो कुछ ऐसी लगेगी. तो आपको C फाइंड करना है, मतलब आपने सिंपली इसको ओपन करना है एंड देन यू हैव टू कंपेयर इट विद द इक्वेशन विच इज गिवन टू यू. यस बच्चों, कैन वी डू दिस? जरा थोड़ी मेहनत करें इस पे. सो देखो, इसको एक्सपैंड करें. दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर माइनस टू एक्स ए वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर माइनस टू वाई बी वन इक्वल टू x square plus a2 square minus 2x a2 plus y square plus b2 square minus 2y b2. ठीक है. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए हम. What all are we left with? a1 square minus a2 square plus b1 square minus b2 square. And यहाँ पे क्या बच रहा है? What are we left with? If I take minus 2 common, then a1x and b2y. ये भी बचा है अभी. x common लें, इसको और इसको पहले pair up करो, क्योंकि यहाँ minus 2x common आ सकता है ना. a1 minus a2 and वहां से इनको अब ले लो. ये हो क्या रहा है मैम, ये हो क्या रहा है? माइनस टू वाई माइनस टू वाई, बी वन माइनस बी टू इज जीरो. ओहो ओहो हो, क्या बात है. अब जरा यहां कंपैरिजन कर ले थोड़ा सा. एक्स के साथ मेरे पास क्या आ रहा है? ये आ रहा है ए वन माइनस बी टू एक्स. एक्स के साथ क्या आ रहा है? ए वन माइनस बी टू. एंड वाई के साथ क्या आ रहा है? ए वन माइनस बी टू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, मेरा कौन सा वाला आंसर आएगा? आई जस्ट नाउ हैव टू कंपेयर द टू इक्वेशंस एंड फाइंड करना है. तो क्या होने वाला है? यस, लेट्स सी क्या होने वाला है. अब आपको सिर्फ इनको कंपेयर करना रह गया है. मोस्ट ऑफ यू आर टॉकिंग ऑफ बी. बी में मतलब क्या बच रहा है आपका? a1 square plus a2 square. अच्छा, मतलब जो भी बिना x एंड y के है ना, जो भी बिना x एंड y के है, लेकिन यहां पे x के साथ है a1 minus b2. यहां 2 है तो यानी हाफ हो जाएगा. बिल्कुल सही, ये सिर्फ कंपैरिजन है. आप लिख के देख सकते हो दोनों साइड, लिख के देख सकते हो दोनों साइड. b विल बी द आंसर. तो मतलब इसमें टेक्निकली कुछ भी नहीं किया आपने, एक्सपैंड किया इसे, है ना. और फिर इतना बड़ा बड़ा यहां तो इन्होंने डायरेक्टली बस आंसर ही दे दिया. ओके एवरीवन, आई होप यू आर गेटिंग दिस. अब मैं नहीं आगे खेल रही, कम ऑन गाइस, ये काम करो जल्दी से. आई वांट टू सी 2000 लाइक्स. बच्चे यहां पे बहुत शैतान हो गए हैं, बहुत ज्यादा शैतान हो गए हैं. कम ऑन, लेट्स डू दिस. कम ऑन, गो 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 गाइज, सो दैट आई कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी क्विकली. बढ़ जाए क्या? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ.
ओके लेट्स सी, लेट्स सी इसको कैसे करोगे. सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल. ओके देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं. लॉट ऑफ यू गिविंग मी द आंसर बी. कुछ बच्चे कह रहे हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड. कोई बात नहीं, अभी समझ लेंगे. ओके लेट्स चेक दिस. ओके A and B be vertices of a triangle ABC. If centroid of this triangle moves on this line, then locus of the vertex C. तो vertex C given नहीं है हमें, हम HK ले लेते हैं. It's not given, तो HK ले लेते हैं. XY direct लेना, XY ले लो. अब what have you been asked? If the centroid of the triangle moves on the line, मतलब centroid क्या होता है यार? You add all the coordinates and divide them by 3, है ना? तो 2 minus 2, 0 plus h, so h by 3, minus 3 and 1, minus 2 plus k, so k minus 2 by 3. अरे, this lies on the line, this lies on this line, तो satisfy करो. 2h by 3 plus thrice of k minus 2 by 3 is equal to 1. बस अब देख लो कौन सी इक्वेशन है. व्हाट इज द आंसर बच्चों? फाइनल आंसर बताएंगे सब यहाँ पे. 2h प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 3. सो 2x प्लस 3y माइनस 9. डी आ रहा है आंसर. डी आ गया है सबका आंसर. डी फॉर डायनामाइट. आई लाइक दैट. डी फॉर डायनामाइट. बिल्कुल फोड़ दिया तुमने ये. वैसे सवाल सिंपल ही था लेकिन तुमने काफी आग लगा दी है ना. डी फॉर डायनामाइट हो चुका है ये आंसर. सुपर्ब गाइस, सुपर्ब एनर्जी. आगे बढ़ जाएं. दिस इज डी एज द आंसर, डायनामाइट जो हमने अभी फोड़ा है. चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं एंड इसको तुक दुक 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 खत्म करते हैं अभी. कमऑन बच्चों, लेट्स गो फॉर दिस. लेट्स सी. ईजी है ये, करिए फिर इसको. आंसर सी दे रहे हैं. ग्रेसी कह रही है ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई. वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. ओके चलो यहां पे चेक करते हैं हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस वन. आर्मी अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 1,2 इज रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस. तो यार यहां पे कोई लाइन आई जो एक्स एक्सिस पे लाइन मारते हुए, ठीक है एक्स एक्सिस पे लाइन मारते हुए, तो ये पॉइंट पी है राइट. यहां से ढिशक्या चली गई एंड ये पॉइंट लेट्स से 5,3 है. दिस इज द सिचुएशन बच्चों, है ना. दिस इज द सिचुएशन. मैं पिटाई करने वाली हूं किसी ने मुझे अगर गलत आंसर दिया इस क्वेश्चन का. सोचो इसको ध्यान से, है ना. सोचेंगे इसको हम ध्यान से. थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ते हैं आज. चलो फिजिक्स पढ़ते हैं. मैम आप ना मैथ पढ़ा लो ठीक से, फिजिक्स छोड़ दो हम पढ़ लेंगे. दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देखो यही होता है, ठीक है. ये भी सेम है आपका थीटा. अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेसिकली मैं बोल रही थी जो लाइन का इंक्लिनेशन होता है, ठीक है. तो अगर मैं AQ की स्लोप लूं, स्लोप ऑफ AQ इज tan थीटा, ठीक है. तो ए आर सिंस इट्स लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस तो इसको कुछ भी बोलो, 1,0 बोल दो, करेक्ट.
Now what am I going to get? 3 minus 0 and 5 minus a. ये अपना स्लोप, अपना स्लोप ये है. Now what do we do? इसका AP का स्लोप कैसे निकालूं? सबसे पहले तो समझ जाओ ये थीटा, ये थीटा, ये बीच में क्या आएगा? ये आपका आएगा पाई माइनस टू थीटा, है ना, क्योंकि पूरा ये सप्लीमेंट्री है. अच्छा पाई माइनस टू थीटा, तो आप बेटा यहां से लो एपी, एपी ये लंबी छलांग मारी तुमने, तो स्लोप ऑफ एपी क्या हो गया आपका? स्लोप ऑफ एपी क्या हो गया आपका? टैन ऑफ क्या? टैन ऑफ क्या? ये आपने मारा थीटा प्लस पाई माइनस टू थीटा, सो पाई माइनस थीटा, करेक्ट बेटा. ओके दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, tan of pi minus theta, and वैसे यहां से सेम चीज 2 upon 1 minus a. So यानी tan of pi minus theta is this. देखो different लोगों का different style हो सकता है इस question को solve करने का, है ना. ये सबसे ज्यादा logically मुझे strike कर रहा है. इसको add कर दो, एक tan theta एक minus tan theta, add कर दो या equate कर दो, एक ही बात है, एक ही बात है. व्हाट विल आई गेट? 3 अपॉन 5 माइनस ए प्लस 2 अपॉन 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0. सो जस्ट टेक द एलसीएम. ऑब्वियसली ए कांट बी 5 और 1 ना, डिनोमिनेटर में है. 3 माइनस 3 ए प्लस 10 माइनस 2 ए इज अ 0. ये तो 13 बाय 5 आ गया. ये यिपी, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर. ठीक है. सो यार ये मेरा तरीका था इसको सॉल्व करने का. हो सकता है आपका तरीका कोई और डायनामाइट हो. सो गो अहेड विच एवर वे यू फील लॉजिकली राइट, गो अहेड विद दैट. मतलब आपकी मर्जी है बिल्कुल. ठीक है, आपकी मर्जी है बिल्कुल. ओके अच्छा इनका भी ऐसा ही है आंसर. चलो ए फॉर ऑसम आ चुका है एंड आगे बढ़ जाए. ना आगे तो अब मुझे टू के देखने ही देखने हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सामने. गो फॉर इट माय आर्मी. ओके लेट्स सी व्हाई यू ऐड बोथ. दैट इज जस्ट अ वे ऑफ सॉल्विंग, कैलकुलेशन है वो तो. Let's see. Let's see, बच्चों. Okay. चलो. Yeah. Let's go for this. Okay. Let PQR be a right-angled isosceles triangle, right-angled at P. ओके एंड पी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है. ठीक है, ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके अच्छा आइसोसेलेस भी है तो फिर यार यही होगी, साइड्स इक्वल. ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्यू आर इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 3. देन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पी क्यू एंड पी आर इज व्हाट. कैसे करें इसको सोचो जरा. How are we going to do this? अच्छा ये देखो, अब आपका isosceles है, ये दोनों 45 degrees हैं, है ना. इसका स्लोप क्या है बच्चों? The slope is minus 2. इसका स्लोप मुझे नहीं पता, तो एक काम करते हैं इसका स्लोप m ले लेते हैं. इसका स्लोप तो minus 2 है ही. एंगल जो बीच में सैंडविच हो रहा है वो 45 degrees है. ठीक है, जो सैंडविच हो रहा है. तो अगर मुझे इक्वेशन पी क्यू की मिल जाए एंड इक्वेशन पी आर की मिल जाए, मतलब ये दो लाइन अगर हम मार लें, समझ रहे हो, ये दोनों लाइंस के अगर हम लोग आंसर निकाल दें, सो वी कैन मल्टीप्लाई देम टू गेट आर आंसर, है ना. वी कैन डू दैट. तो चलो लेट्स डू दिस बच्चों. सो एंगल बिटवीन देम टैन 45 डिग्रीज का एंगल क्या होने वाला है? एम माइनस दिस, सो एम प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एम 1 एम 2 होता है, तो ये आ जाएगा एम 2 माइनस एम 1 प्लस एम 1 एम 2. ठीक है, विच इज इक्वल टू 1. सो आई विल गेट माई स्लोप. वी विल गेट टू स्लोप्स. यस गाइस, कैन वी गेट द स्लोप्स क्विकली बच्चों?
सो दिस इज गोइंग टू बी 1 - 2m. वैसे तो सी देयर परपेंडिकुलर. इफ यू गेट वन स्लोप यू विल बी एबल टू फाइंड द अदर वन ऑन योर ओन. सो 1 - दिस इज m प्लस 2. सो दिस इज -1 इज इक्वल टू 3m. तो m इज -1/3. दैट मीन्स दूसरी वाली सॉल्व करो या ना करो यही आनी चाहिए 3. m इज -1/3 एंड 3. यस और नो, आर वी गेटिंग दीज टू? है ना? ओके, सो दैट मीन्स अब इक्वेशन निकाल लेते हैं. इट विल पास थ्रू 2-1. इतनी सी बात है, इतना सा क्वेश्चन है, चलो जी साथ साथ मिलके सॉल्व करते हैं. ओके, सो इक्वेशंस क्या आ जाएंगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, एंड y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. सो गेट दीज टू इक्वेशंस एंड देन मल्टीप्लाई देम. यस गाइज, जस्ट गेट दीज टू इक्वेशंस एंड मल्टीप्लाई देम. यही करना है ना, यही करना है. सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? ओके, दिस इज गोइंग टू बी 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1. आई थिंक ये बच्चे वैसे कर ही लेंगे अपने आप, काफी स्मार्ट है मेरी आर्मी, है ना. सो दिस इज 3x माइनस 1, माइनस 2 इज 0. मल्टीप्लीकेशन कर दो इसको, जस्ट मल्टीप्लाई देम. सो यू नो 3x स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस 3y स्क्वायर तो डेफिनेटली आएगा, वो मैम आ ही रहा है, दिख ही रहा है हमको. ठीक है, y to multiply because it's pair of straight lines, no? You always multiply them, right? So I guess you can do this. x minus 2 hoga ma'am, x minus 2 kahan hoga? Arre re re, itni bhayankar galti bachcho, how did you tolerate it? How did you tolerate this galti? Very bad. Theek hai, now multiply these two, right? Theek hai, right? So now we can multiply them and I guess now you can tell me the answers. Multiply karke B. Most of you were telling B, I think. Okay, so B aa chuka hai answer. Yes. Ab hum aage tab badhenge jab aap bhi thode se aage badhenge. Come on guys, let's take this to another level. Let's take it to 2500 likes. Banta hai boss, come on, come on, come on. Okay, let's see this. Question 13 on your screens. Let's see. Let's see, let's see. Let's go and attack the question right now. ओके, टाइम अप हो चुका है. लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. ओके, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू. अरे पॉइंट निकालो एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ देम. वाह वाह वाह, देखो इसका स्लोप आपका 1 है एंड इसका स्लोप इज -3. सो लाइन हैज टू बी परपेंडिकुलर, मतलब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप इज आइदर -1 और 1/3. ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कैसे निकालोगे मैम, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? कम ऑन माई आर्मी, गिव मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्विकली. एड कर दें 4x माइनस 4 इज 0, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है. x इज 1 एंड y 2 है. सब के सब बच्चे 1 एंड 2 या 1 एंड -2, कुछ बच्चे -2 भी लिख रहे हैं. आई थिंक 1 एंड 2 होना चाहिए. यस, ठीक है. सो क्या मिल गया? या तो हमारी इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 1, विच इज गोइंग टू गिव मी x प्लस y -2 एंड -3 इज 0. क्या ये है कहीं? अरे ये तो यही है, ये तो यही है. मुझे दूसरे के लिए तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ी. बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल बीफ और भालू. बच्चे कह रहे हैं मैम डायरेक्ट पॉइंट उठा के डालने का.
ज्यादा मेहनत नहीं करने का, डायरेक्ट पॉइंट उठा के डालने का कि कौन सैटिस्फाई कर रहा है. अमेजिंग अमेजिंग. बी फॉर बंदर. वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, वेरी प्राउड ऑफ यू. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं सबके सब. लेट्स गो आगे. Alright, let's move to question number 14 on your screens. You know what I'm going to say. Come on, my army. Go, go, go. Go for this, bachcho. Let's go for this. यहां पे थोड़ा सोचो guys. How are we going to solve this, बच्चों? सोचो सोचो. Okay, let's think about this. If A, B, C are distinct, then the equations, these two, represent the same line. Yet if something is representing the same line, that means uske coefficients are going to be proportional. That's what we can say. So that means I can say B minus C upon B cube minus C cube is equal to C minus A upon C cube minus A cube. And सेम कहानी वही पुरानी. ये तो सही है, ये तो सही है. अगर मैं इन दोनों को करूं बेसिकली मेरे पास क्या बच जाएगा? 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू दिस माइनस ए सी. ना प्लस होगा सब कुछ ना, ऊपर माइनस है. सो आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. हाँ चलो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सी स्क्वायर तो कट जाएगा यार. आपके पास क्या बचेगा? सी कर लें तो बी माइनस ए इज जीरो. दैट मीन्स बच्चों इफ आई टेक बी माइनस ए, सो बी प्लस ए प्लस सी इज जीरो. दिस इज वन थिंग विच आई हैव गॉट, है ना? दिस इज वन थिंग विच आई हैव गॉट. अब थोड़ा सा इन दोनों को ले, इन दोनों के साथ खेले. सो वट आर बी लेफ्ट विथ? डायरेक्ट लिख देते हैं यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी. सो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड यहां पे बी माइनस सी इज अ जीरो. फिर से वही कहानी. अब देखो दोनों चीजों में कॉमन क्या है? अगर यहाँ पे बी इक्वल टू सी या बी इक्वल टू ए हो जाता है, फिर तो इक्वेशन पहले ही खत्म है. इक्वेशन में कुछ बचा ही नहीं है. दैट मीन्स ओनली वन थिंग. ओके एवरीबडी, यस और नो इन द चैट बॉक्स. कम ऑन बच्चा लोग, मिला या नहीं मिला ये आंसर? यस, सबको मिला ये आंसर कि नहीं? अमेजिंग अमेजिंग, सुपर्ब सुपर्ब. All right. Are we ready to go आगे? Are we ready to go आगे? Amazing. सबके सब बच्चे I hope scores mark करते जा रहे हैं because it's going to be super super crazy. अरे ये क्या हुआ बच्चों? A plus B को क्यों zero लिखा है यहाँ पे? A plus B को क्यों zero लिखा है यार? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा. मेरे ख्याल से ये थोड़ी misunderstanding हो गई होगी. ये answer है ना? ये होना चाहिए हरा भरा. कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी. दिस इज द आंसर. करेक्ट, दिस इज द आंसर. ऑलराइट, आर वी रेडी टू गो आगे माय आर्मी? सबके सब रेडी हैं? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स. गो फॉर इट एवरीवन. चलिए चलिए बच्चों.
लेट्स सी सॉन्ग विच सॉन्ग मतलब यार तुम पढ़ने आए हो म्यूजिक सुनने आए हो हैं एवरीबडी चलिए लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन पहले काम तो कर लो शैतान बच्चों पहले काम करो अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3-1 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी सो पासिंग थ्रू 3-1 अब कहीं तो है आपका 3-1 meets at A and B. It is given that distance of the straight line from origin is a maximum. ठीक है, so area of triangle OAB क्या होगा? Area of triangle OAB क्या होगा? Can I say बच्चों, area of triangle OAB आपका half of OA into OB हो सकता है? है ना? So if I can get these equations, इसको यार मैं h, 0 ले लूँ and 0, k ले लूँ, तो life थोड़ी easy है, yes? Life थोड़ी easy है, अब इसको solve कैसे करोगे? H and k निकालना है main funda, H and k कैसे निकालेंगे हम? I can get equation of this, I can get equation for this, equation. It is passing. So, alu y minus y1 into m times x minus x1. ये सोचना है m क्या होगा. अब, of course, आपसे बात हो रही है, distance is maximum. देखो, distance की बात होती है, तो हम perpendicular distance की बात करते हैं. है ना? This could be anywhere. तो ये जो आपका distance है, OP लो, OQ लो, I mean, जहाँ पे जो distance आपका OP है, slope तो same ही होगी ना? OP क्या है इसकी slope? 1 minus 0, 3 minus 0. So, यानी ये बहुत simple है, ये minus 3 है. Yes? Yes or no? सबको ये चीज़ समझ में आ रही होगी. So, I'm going to get 3x plus y minus 1. And यहाँ 9 है, तो minus 1. So, minus 10 is 0. यानी कि for my h and k, अब मैं directly यहाँ पे लगा सकती हूँ. I can say, if I put x as 0, तो my y is 10. तो यानी k आपका 10 आ गया है. ठीक है एंड इफ आई टेक y as 0 x is 10/3 तो ये अब तो आई गेस हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकाल ही सकते हैं है ना देयर इज नथिंग एल्स a फॉर आलू क्या बात है लेट्स चेक दिस आउट सो क्या मिल जाएगा हाफ ऑफ OA 10/3 एंड OB क्या हो रहा है अपना ये 10 है ठीक है 0 नहीं है ये 10 है 10 है 100/6 बच्चों तो 50/3 है ना 50/3 दैट्स द आंसर यस और नो ओके हाउ m इज 1/3 यार ये स्लोप कैसे लेते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे ही लोगे ना यस गाइस आई होप सब ने इसको फोड़ दिया है 100/6 पे छोड़ दिया है नहीं आप मत छोड़ना आप 50/3 करके आना ओके माय आर्मी इफ यू वांट टू यूज एओआई आपकी मर्जी यार देयर कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी व्हाटएवर इज द क्विकेस्ट एंड द सिंपलेस्ट ठीक है जी चलिए दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप ओके ये क्लासेस की ड्यूरेशन यार मैं बहुत लंबी नहीं रख रही बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ लॉट टू बी डन बाय यू गाइस सो स्टिल व्हाटएवर मोर यू वांट आज के सेशन की या मेरे किसी भी सेशन के फ्री नोट्स के लिए यू कैन डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप एंड फिर ये लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो गो अहेड ज्वाइन इट विद इन 24 आवर्स ये सारी स्लाइड्स पीडीएफ में कन्वर्ट होकर आपके साथ शेयर हो जाती है होप यू आर डाउनलोडिंग द वेदांतु लर्निंग ऐप बिल्कुल फ्री है अ लॉट इज हियर फॉर यू गाइस तो खुद ही मत सिर्फ डाउनलोड करो अपने जूनियर्स को भी बताओ अपने घर में सबको बताओ बिकॉज दिस इज केटरिंग टू ऑल द क्लासेस नाउ गो अहेड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल यहां पर है गो एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट ये काम तो करना ही करना है हैप्पी लर्निंग कंटिन्यू टू लर्निंग स्टे कंटिन्यू टू लर्न स्टे फोकस्ड आई विल सी यू गाइस सुपर डुपर सून मिल जाएंगे बाय बाय